मैच जीता, सीरीज जीता, बांग्लादेश के जबड़े से छीनी जीत, अब बन गए चैंपियन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम ने रोमांचक मोड़ पर ढाका टेस्ट को 3 विकेट से जीत कर बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया है। भारत के लिए इस मैच में जीत के हीरो बनकर उभरे रविचंद्र अश्विन, जिन्होंने टीम इंडिया को मुश्किल से निकाल कर 42 रन की पारी खेली और जीत आ दिया इंडिया को। भारत का स्कोर एक समय 74 रन पर 7 विकेट था। टीम इंडिया जीत के लिए 71 रन दूर थी। ऐसे में उन्होंने श्रेयस अय्यर के 29 रन के साथ मिलकर नवाज साझेदारी के दम पर टीम इंडिया को 3 विकेट से जीत दिला दिया और टेस्ट में चैंपियन बन गए। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियनशिप में इस जीत के साथ भारतीय टीम दूसरे स्थान पर और भी मजबूत हो गई। इस मैच की 4थी पारी में बांग्लादेश ने भारत को जीत के लिए 145 रनों का लक्ष्य दिया था। टारगेट देखने में तो मामूली लग रहा था, लेकिन बांग्लादेश के स्पिनरों खासतौर पर मेहदी हसन, मिराज और कप्तान शकीबुल हसन ने भारतीय बल्लेबाजों का सांस लेना मुश्किल कर दिया था। भारत के तीसरे दिन ही 37 रन पर 4 विकेट गिर गए थे। 4थे दिन शुरुआत में भारत का स्कोर 4 विकेट पर 45 रन था। जीत के लिए चाहिए थे 100 रन। दिन की शुरुआत घंटे में ही उनाद कर अक्षर और ऋषभ पंत पवेलियन लौट गए थे। भारत का स्कोर हो गया था 74 पर 7 विकेट। सांसें रुक गई थी भारतीयों की और यहां से बांग्लादेश ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चला रहा था, लेकिन क्या पता था कि अक्षर और अश्विन ने ढाकर बल्लेबाजी के आगे पूरा बांग्लादेशी नतमस्तक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसके जबड़े से जीत छीन लिया और टीम इंडिया को 13 में से 11 मैच जिता दिया थी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लेना। जय हिंद।